हिमाचल प्रदेश के 9 लाख सेब बागवानों को सरकार के उपक्रम HPMC ने कार्टन के दाम पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है। यही नहीं, इस बार बागवानों को महंगे दामों पर पैकिंग ट्रे भी बाजार से खरीदनी होगी। पिछले साल बाजार से सस्ते दामों पर निगम ने कंपनियों से पैकिंग ट्रे उपलब्ध करवाई थी। इस बार कोई भी कंपनी ट्रे उपलब्ध करवाने के लिए आगे नहीं आई। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ने इस बार 20 किलो के कार्टन की कीमत 66.78 से लेकर 75.65 रुपए तक कर दी है, जबकि 10 किलो के कार्टन की कीमत 50.43 रुपए से लेकर 42.40 रुपए तक तय की है। हिमाचल प्रदेश की दो कंपनियों और गाजियाबाद की एक कंपनी कार्टन मुहैया करवाएगी। कार्टन और पैकिंग ट्रे महंगी मिलने से बागवानों पर महंगाई की मार पड़ रही है। बता दें कि HPMC ने पिछले साल बागवानों को 575 रुपए प्रति 100 ट्रे के बंडल भेजे थे, लेकिन इस साल उनको खुले बाजार से ये मंडल 800 रुपए में मिल रहा है। बता दें कि कार्टन की आपूर्ति के लिए दो हिमाचल और एक गाजियाबाद की कंपनी के टेंडर मंजूर हुए हैं। HPMC के महाप्रबंधक हितेश आजाद कहते हैं कि कार्टन के रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में बागवानों से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीदने के लिए 15 जुलाई से 250 खरीद केंद्र खुलेंगे। राज्य सरकार की दो एजेंसियां हिमफेड और HPMC बागवानों से सी श्रेणी का सेब खरीदेगी। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि 15 जुलाई से सेब खरीद केंद्र खोलने शुरू कर देंगे। सरकार ने अभी सेब खरीद मूल्य भी चालू सीजन के निर्धारित करना है। पहले चरण में कम ऊंचाई वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों में फल खरीद केंद्र खोले जाने हैं।